पिपरनामा थाना क्षेत्र के घिसलाई के लकुमरी रोड स्थित एक खेत में एक अज्ञात शव मिलने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना के साथ यहां पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। इस दौरान पुलिस ने एवं टीम ने जांच पड़ताल भी की। क्या है पूरा मामला आज का, ये आपने जो जांच की उसमें? थाना पिपरनामा के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदेहास्पद परिस्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस पर घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का एवं शव का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। घटनास्थल एवं शव के आधार पर वहां पाए गए भौतिक एवं परिजन साक्ष्यों के आधार पर जो मृतक है उसके सिर में एक घाव बना हुआ है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी उस चोटों को निशान है, अतः प्रथम दृष्टिया हत्या किया जाना प्रतीत होता है। घिचला और लकुमड़ी के बीच में राम सिंह का खेत है, वहाँ पर एक डेड बॉडी संदिग्ध हालत में मिली थी। सूचना पर से हम लोग थाने की टीम के साथ वहाँ गए तो उस डेड बॉडी के पास में सिर के पास एक पत्थर भी पड़ा था, ब्लड भी था, उसके सिर में चोट लगी हुई है। सूचना पर से मार्ग दर्ज करके उसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान उस व्यक्ति की शिनाख्तगी राकेश पिता कैलाश नारायण जाति खाती और ये पार्वती के पास का क्या नाम है खड़ी पार्वती का रहने वाला ज्ञात हुआ है। कैसे चोट लगी, वहाँ किन परिस्थितियों में आया, वो मार्ग जांच में क्लियर होगा। मार्ग जांच जारी है। वो तो पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है सोनकच्छ, पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।